नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों लेकर हरिद्वार से उत्तरकाशी जा रही चारधाम यात्रियों की बस टिहरी के उनियाल गांव के पास हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते बस डिवाइडर से टकरा गई और सड़क पर ही पलट गई। हादसे के वक्त बस में 25 लोग सवार थे, जिसमें से एक को गंभीर चोट आई है जबकि अन्य को मामूली चोट आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड पुलिस के एक दरोगा पर बड़ा आरोप लगा है। उधम सिंह नगर के पंतनगर थाने के एसओ का एक ऑडियो किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बिहड़ ने सार्वजनिक किया है। इस ऑडियो में एक शख्स एक युवती से कुछ अश्लील बातें करता सुनाई दे रहा है। कांग्रेस विधायक तिलकराज बिहड़ का आरोप है कि ऑडियो पंतनगर थाने के एसओ राजेंद्र सिंह डांगी का है, जिसने एक मुकदमा लिखने के बदले पीड़ित परिवार की लड़की से अश्लील बातें की और किसकी डिमांड की। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आप बता दीजिए कि मतलब कहाँ मिल सकते या फिर ये नगला बाईपास से है? हाँ, आप गाड़ी में बैठ जाएंगे। नगला बाईपास भी है मतलब? गाड़ी में बैठ जाएंगे। हेलो। हाँ सर, गाड़ी में बैठ जाएंगे। ठीक है सर। उधर झा कॉलोनी के आस पास भी बैठ सकते हैं गाड़ी में, अंधेरे में कौन देख रहे हैं। हाँ सर। ठीक है सर। किस भी दोगी एक क्या किस भी दोगी एक हेलो हुँ? हेलो हुँ? कैसे सर? मैं कह रहा हूँ किस भी दोगी। हेलो। हाँ सर बोले। अच्छी लग रही थी यार कॉलोनी। फिर मामला एसओ और लड़की से कहता कि कल तुम आई थी थाने में तो बहुत सुंदर लग रही थी, तुम तो बहुत सुंदर हो, ऐसे से अश्लील बातें उसने की हैं। डीजीपी ने तत्काल कल मेरे एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन थी मेरे पास, उस परिवार की महिला की, दोनों बहनें हैं वो, एक बहन ने एप्लीकेशन लिखी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने वो डीजीपी को कल सौंपी, डीजीपी को मैंने वो पेन ड्राइव भी सौंप दिया है, उसमें पी रेणुका जो है उसको जांच के आदेश किए गए हैं। उसमें कहा गया कि इसकी जांच की जाए, जांच के बाद इसके FIR लॉन्च की जाए। इसमें तो उसमें मेरी जानकारी में आया कि शायद जांच भी, मैं देहरादून से भी लौट के आया हूं, जांच भी प्रारंभ हो गई है। आगे बढ़ते हैं, रुद्रपुर से खबर है। यहां पर दुर्गा मंदिर धर्मशाला के पास स्टाम्प बनवाने आए कांग्रेस नेता और वकील प्रशांत सिंह को बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। घायल हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशांत कार से उतरकर अपने भाई से बात कर रहा था, इसी दौरान बदमाशों ने पिस्टल से गोली मार दी और फरार हो गए। गोली प्रशांत के पैर को चीरते हुए निकल गई। हालांकि अब प्रशांत की हालत खतरे से बाहर है, वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बेसिकली ये पीड़ित जो है गदरपुर से हैं और अभी हम लोग इसमें घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं और जो हमलावर है उसको भी हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और जस्ट 2 घंटे पहले की घटना है तो हम काम कर रहे हैं इस पर और शीघ्र ही हम लोग जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी और घटना का अनावरण हम लोग करेंगे। हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र में शराब प्रतिबंधित होने के बावजूद भी शराब तस्कर नए नए तरीके ईजाद कर शराब बेच रहे हैं। हर की पैड़ी चौकी क्षेत्र पुलिस ने चलती फिरती शराब की दुकान बनकर घूम रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने बेल्ट बांधकर अपने कपड़ों में शराब के क्वार्टर छुपा रखे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 48 अंग्रेजी और देसी शराब के क्वार्टर बरामद किए हैं। पकड़ने के बाद आरोपी की तलाशी ली गई, जिसके बाद देखिए कैसे एक के बाद एक शराब की बोतलें निकलती रहीं। कई तरह के ब्रांड वहां पे एक व्यक्ति बेल्ट बांध के लगभग 48 पौवे रख के लेके जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस उसको पकड़ के लाई और फिर उसे जो भी शराब होती उसको रिकवर किया। उत्तरकाशी में एक तरफ जहां कुछ इलाकों में बारिश से राहत मिली है तो वहीं कुछ इलाकों में जंगलों में आग लगी हुई है। धरासू रेंज में ब्रह्मखाल के पास जंगलों में आग लगी हुई है, बड़े इलाके आग लगी हुई है और आग की ये तस्वीरें आप सिर्फ न्यूज 18 पर देख रहे हैं।
वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई है। हालांकि आग की भयावहता को देखते हुए वन विभाग की टीम की कोशिश नाकाफी ही साबित होगी। बारिश के बाद नैनीताल के कुछ इलाकों में खतरा बन गया है। नैनीताल के कई हिस्सों में पत्थर गिरने की घटनाएं आम हो रही हैं। गुरुवार को बारिश के बाद नैनीताल के कृष्णापुर में पहाड़ी से बने बोल्डर गिरने से दहशत में लोग हैं। जेल के भवन निर्माण के बाद निचले इलाके में लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग खौफजदा हैं। पिछले साल कृष्णापुर जेल के समुख जो नए क्वार्टर जेल के लिए बनाए गए हैं, उनके बगल से ही एक भूस्खलन हुआ है, जिससे नीचे आबादी के क्षेत्र को बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। बार बार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। हरिद्वार में शांतर शाह गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बीजेपी नेता समेत 3 लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बीजेपी नेता आदित्यराज सैनी की इसमें बड़ी भूमिका बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक 23 जून को मृतक लड़की की सहेली का भाई अपने अन्य दोस्तों के साथ उसे बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर ले गया था, जहां उन्होंने लड़की को बियर पिलाई और नशे में हो जाने के बाद 3 में से 2 युवकों ने उसके साथ रेप किया। 3 युवक लड़की को रात में उसे छोड़कर चले गए, जिसके बाद लड़की अपने परिचित अमित सैनी के पास गई, जहां अमित सैनी ने भी नाबालिग के साथ रेप किया और बाद में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसमें लड़की बेसुध हो गई और बाद में अमित ने अपने परिजनों के साथ मिलकर लड़की को गांव के बाहर हाईवे किनारे छोड़ दिया। फिलहाल बीजेपी नेता फरार है। ये बात संज्ञान में आया कि नितिन जो इस मृतका की जो दोस्त है उसका भाई था, वो अपने 3 साथियों के साथ इस लड़की को पार्टी के बहाने उसके द्वारा बुलाया गया और इसको बियर पिलाई गई। बियर जब इसको अत्यधिक नशा हो गया तो इन अभियुक्तों ने उस लड़की के साथ इनमें से 2 अभियुक्तों के द्वारा रेप किया गया। हरिद्वार में दलित नाबालिग लड़की का गैंगरेप कर हत्या होने के बाद राजनीतिक दलों के नेता परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। आज कांग्रेस नेता और हरिद्वार लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने शांतर शाह पहुंचकर नाबालिग मृतका के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे वीरेंद्र रावत ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। दो दिन की चुप्पी के बाद देहरादून में आज फिर से बुलडोजर गरजा। यहां काठपंगला में रिस्परा नदी के किनारे एमडीडीए ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। भारी पुलिस फोर्स के बीच 3 बुलडोजर की मदद से 11 मार्च 2016 के बाद अतिक्रमण कर बनाए हुए घरों को ढहा दिया गया। अब बुलडोजर से मकान को ढहा दिए गए हैं, लेकिन बरसात के मौसम में उन लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हो गई हैं जिनके घरों को ढहा दिया गया। कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास अब रहने का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। करे उसके बाद इसको बोला कि ये तोड़ना पड़ेगा, इस वजह से थोड़ा इनके हमारे कागज ओके नहीं थे, थोड़े बहुत तो गरीब आदमी थे, पापा भी पहला ही सटे करे, अब क्या कर सकते थे। जमीन कब ली थी? ये 2016 में ली थी, 16-17 में। उसके बाद मकान बनाया? हाँ जी, हाँ जी सर। तो अब कहाँ है रहने का ठिकाना? सर रहने का ठिकाना तो अभी नहीं, यही था बस रहने का ठिकाना, अब देखेंगे सर क्या होता है क्या। हमारे आदमी पैरालाइज हो गए ना, तो हम काम कर करके दोनों बच्चे को उनकी दवाई भी करते हैं, किसी तरह उन्हें पालते भी हैं। बस इतना एक ही कमरा था मेरा, एक ही मकान था, यूपी के हैं। यहाँ हम आए थे 14-14 में, तब अभी कागज वगैरह मांगे होंगे? कागज तो मांगे थे, कागज दिखाए थे, मगर कागज 17-18 के थे, कागज नहीं ले गए थे मेरे। अब रहने का कहाँ है? अब कहीं नहीं, यही रहेंगे बच्चों के लेके, और कहाँ जाएंगे। क्या है, हमारे पास नगर निगम के फ्लैट जो बन रहे थे नदी के किनारे वाले लोगों के लिए बन रहे थे, तो आप उनको वहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं? आप उनका विस्थापन क्यों नहीं कर रहे हैं?
आप उनको वो फ्लैट पूरे कराइए जिसमें आप 6 करोड़ रुपए खर्च कर चुके और 4.5 करोड़ रुपए और आया हुआ है, आप शिफ्ट कीजिए, इन्हें विस्थापित कीजिए। इस प्रक्रिया से पहले विस्थापन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, इन्हें घर मिलने चाहिए थे। तोड़ना बहुत आसान होता है, आप हर घर में जाइए, हर घर की कोई ना कोई महिला बर्तन माँज रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, तब जाके उन्होंने 2-2 4-4 ईंट जोड़ के ये मकान बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और आज सीएम धामी ने उत्तराखंड सदन से वर्चुअली मीटिंग की और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। सीएम ने शिकायतों पर सख्ती से काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जिन अफसरों ने पिछले 1 महीने से सीएम पोर्टल में लॉगिन नहीं किया है उनसे तुरंत जवाब मांगा जाए और जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि कामों में लापरवाही हुई तो हर विभाग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से फोन पर भी बातचीत की। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की जिसमें राज्य में कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। उत्तराखंड के लिए 500 मेगावाट बिजली की मांग की गई है, साथ ही उत्तराखंड के लिए केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से दिए जाने का अनुरोध किया गया है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्रों की उपलब्धता है जिसके फलस्वरूप राज्य में 55% से ज्यादा ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से मिलती है। कोयला आधारित प्लांट से सिर्फ 15% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। इससे राज्य में बेसलोड क्षमता का अभाव राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कठिन चुनौती बनता जा रहा है। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा का उद्घाटन हुए 4 महीने होने को है लेकिन यह हवाई सेवा कब शुरू होगी कोई नहीं जानता। अलायंस एयर की टीम महीनों पहले ही 42 सीटर प्लेन की सफल लैंडिंग कर चुकी है, फिर प्लेन है कि उड़ने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी। दावा किया गया था कि कुछ ही दिनों में देश की राजधानी के लिए 42 सीटर प्लेन नियमित तौर पर उड़ाया जाएगा। जनता को सब्जबाग दिखाने के लिए अलायंस एयर ने टेस्ट लैंडिंग भी की। नैनी सैनी एयरपोर्ट में हुई सफल टेस्ट लैंडिंग के बाद लगा कि बॉर्डर जिला अब दिल्ली से जुड़ जाएगा, लेकिन तब से अब तक 4 महीने होने को हैं। बावजूद इसके हवाई सेवा का दावा पूरी तरह हवा हवाई ही साबित हुआ है। दिल्ली की हवाई सेवा पर लगे ब्रेक ने विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया है। पिथौरागढ़ की जनता को बार बार छलने का काम किया है। इन्होंने कहा था कि हम पिथौरागढ़ नैनी हवाई पट्टी से दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवा शुरू करेंगे। आज लगभग 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं लेकिन सरकार की जो घोषणा थी वो घोषणा की घोषणा रह गई है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 2019 में भी प्लेन ने उड़ान भरी थी लेकिन 9 सीटर प्लेन वाली ये हवाई सेवा साल के भीतर ही दम तोड़ गई। तब से अब तक बॉर्डर इलाके को देश की राजधानी से जोड़ने के एक नहीं बल्कि कई दावे हो चुके हैं लेकिन ये दावे अभी भी हकीकत से कोसों दूर हैं। कहने को तो पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर के लिए भी हफ्ते भर की उड़ान का ऐलान किया गया था लेकिन महीने गुजर जाने के बाद भी देहरादून और पंतनगर की उड़ान पर लोगों का भरोसा कायम नहीं हो पाया है। हालात ये हैं कि फ्लाईबिक का 19 सीटर प्लेन कब यात्रियों को धोखा देगा कोई नहीं जानता। तो ये हमारी मांग थी तो इसके लिए हमको एरोप्लेन भी चाहिए और हमको दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत बड़ी मांग है। मैंने पहले भी बोला है और हम सबकी बड़ी इच्छा है कि दिल्ली पिथौरागढ़ कनेक्टिंग हो, उस दिशा में भी हम पारा प्रयास है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमको इसका लाभ मिलेगा। पिथौरागढ़ दिल्ली हवाई सेवा की दरकार जहां देश भर के सैलानियों को है वहीं लाखों की तादाद में देश दुनिया में फैले कुमाऊं के प्रवासी भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। बावजूद इसके कुमाऊं के पहाड़ी जिले कब सीधे दिल्ली से जुड़ पाएंगे कोई नहीं जानता। ऐसे में एक उम्मीद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा पर जरूर टिकी है क्योंकि टमटा का ये लोकसभा क्षेत्र भी है और वे केंद्र में उत्तराखंड के इकलौते मंत्री भी हैं। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
वैसे तो आपने अनेकों मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी देवी के मंदिर लिए चलते हैं जो न सिर्फ इंसानों की मनोकामना पूरी करती है बल्कि जानवरों से भी उनकी रक्षा करती है। रानीखेत के देवदार और बांज के इन घने जंगलों के बीच एक ऐसी देवी का मंदिर है जिसे झूले पर झूलना पसंद है, और ये खुद माँ ने अपने भक्तों के सपनों में आकर बताया। वाक्या आज से 700 साल पुराना है, जब पीलखोली गांव के ग्रामीण बाघ और तेंदुए के आतंक से परेशान थे। तभी एक रात एक ग्रामीण के सपने में माँ आई और उन्होंने बताया कि घने जंगल के बीच उनकी प्रतिमा जमीन की गहराइयों में मौजूद है और यहाँ पूजा करने से खूंखार जंगली जानवरों के सारे आतंक रुक जाएंगे। ग्रामीणों ने ऐसा ही किया और खुदाई में माँ की मूर्ति निकली, और तभी से इस जगह पर माँ की पूजा अर्चना शुरू हो गई और लगातार यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। बाकी आस्था यही है कि पहले आई हूँ तो मनोकामना पूरी हुई है, अभी हम दोबारा आए हैं कि मनोकामना पूरी हुई है तो एक घंटी चढ़ा के आते हैं। सुना है मंदिर के बारे में कि मनोकामना पूरी होती है। तो झूला देवी, यहाँ माता को झूले में देखा जाता है हमेशा, और माँ बढ़िया से अपने दर्शन देती है सभी भक्तों को और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कराती है। और दूसरा, यहाँ पे जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं उनके लिए ये उनके लिए होता है कि वो लोग अपनी घंटी चढ़ाते हैं, यहाँ पे घंटी चढ़ा करके माता का आशीर्वाद लेते हैं। मान्यता है ग्रामीणों ने जब 700 साल पहले माँ की आराधना शुरू की तो ग्रामीणों के छोटे छोटे बच्चे बांज के पेड़ों में झूले डालकर झूलने लगे। तभी एक रात फिर माँ एक ग्रामीण के सपने में प्रकट हो गई। माँ ने खुद भी झूले में झूलने की इच्छा जाहिर की, तभी से माँ की जमीन से निकली प्रतिमा को झूले में बैठा दिया गया और माँ झूला देवी कहलाई। पिलखोली गांव का रहने वाला पंत परिवार सदियों से माँ झूला देवी की सेवा करता आया है और उनके पास माँ की महिमा की अनेकों प्रत्यक्ष कहानियाँ हैं। तो यह मंदिर जो है 700 साल पुराना है और 700 साल से लोगों की इस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्तजन आते हैं और माता रानी से इतनी ज्यादा श्रद्धा और उनकी आस्था है कि वो यहाँ पे आते हैं, अपनी मनोकामना माता रानी के सम्मुख रखते हैं। कहते हैं कि माँ ने स्वप्न में किसी पूर्वज के उसमें ये स्वप्न में ये डायरेक्ट किया, ये निर्देश दिया कि उनकी जमीन के भूभाग में मेरी एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा की आप पूजा नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको ये हिंसक पशुओं के द्वारा आपका नुकसान हुआ है। क्या हुआ कि एक बार जब यहाँ पर पूजा अर्चन चल रहा था तो माँ किसी छोटे छोटे बच्चे किसी पेड़ की डाल में झूला डाल के झूला खेल रहे थे, तो माँ ने फिर कहा कि आपके बच्चे तो झूला खेलते हैं, मेरी प्रतिमा को आपने नीचे रखा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी झूलूं। जाहिर है माँ झूला देवी की अपनी महिमा है। मान्यता है कि बाघ और गुलदार जैसे खूंखार जानवर होने के बावजूद यहाँ वो कभी इंसानों पर हमला नहीं बोलते। ग्रामीण से माँ झूला देवी की महिमा मानते हैं। मान्यता है कि विशेष मौकों पर बाघ और तेंदुए जैसे जानवर भी माँ के दरबार में दस्तक देते रहते हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि माँ की सवारी वाले ये जानवर माँ झूला की पूजा से इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।